वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डीएमएनटी एंड डीआरटी स्टूडेंट। तो टुडेज लेक्चर कंटिन्यू ऑन ल्यूकोपोइसिस। आज का जो आपका लेक्चर है वो क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा किसके ऊपर, ल्यूकोपोइसिस में। प्रीवियस लेक्चर समरी भी किस पे थी, पिछला लेक्चर किस पे था, ल्यूकोपोइसिस पे, जिसमें आपने सिर्फ क्या देखे थे, ल्यूकोपोइसिस के चार्ट देखे थे। और आज के लेक्चर में क्या देखोगे, उसकी थ्योरी देखोगे, कौन सी चीज में, कौन से स्टेप में, कौन से चेंजेस हुए हैं। तो एक बार आज का लेक्चर शुरू करने से पहले पीछे का लेक्चर क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था, ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस है क्या, व्हाइट ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, यानी वो बनती किसमें है, कौन से स्टेप इन्वॉल्व है। सबसे पहले देखिए कि ल्यूकोपोइसिस ह्यूमन बॉडी के अंदर कहां पे होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। और बोन मैरो कहां पे प्रेजेंट होता है, लार्ज बोन्स के एज के अंदर, बड़ी बोन के किनारों में। तो ल्यूकोपोइसिस में क्या होता है, सबसे पहले कौन सी सेल आती है, हीमोसाइटोप्लास्ट, जो कि क्या एक स्टेम सेल है, यानी किसी चीज को जनरेट करने की उसमें क्या है कैपेबिलिटी है, कोई नई सेल बनाने की उसमें क्या है कैपेबिलिटी है, जो कि इसमें प्रेजेंट रहती है बोन मैरो। फिर हीमोसाइटोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट होती है, दो प्रकार की लाइनेज में या दो प्रकार की प्रोजेनाइटर में कन्वर्ट होती है, ठीक है। वो प्रोजेनाइटर कौन सी, एक तो माइलोइड स्टेम सेल, एक लिम्फोइड स्टेम सेल। माइलोइड जो स्टेम सेल्स होती है, यानी माइलोइड जो लाइनेज है, उससे क्या है लिम्फोसाइट के एक्सेप्ट में, यानी लिम्फोसाइट के अलावा अदर सारी ब्लड सेल्स उसी से फॉर्म होती है। जबकि लिम्फोइड जो सेल है उससे ओनली क्या है लिम्फोसाइट ही जनरेट होता है। फिर देखिए ल्यूकोपोइसिस में देखिए कि माइलोइड स्टेम सेल किसमें कन्वर्ट होती है, कमिटेड सेल्स के अंदर, यानी वो सेल्स कमिटमेंट फिक्स कर लेती है कि कौन सी व्हाइट ब्लड सेल वो फॉर्म करेंगी, बनाएगी, यानी न्यूट्रोफिल बनाएगी या इओसिनोफिल बनाएगी या बेसोफिल बनाएगी या मोनोसाइट बनाएगी। कमिटेड सेल के अंदर क्या है, सारों में एक जैसी स्टेप आती है, बस न्यूक्लियस में चेंज रहता है थोड़ा। उस स्टेप का नाम क्या बोलते हैं अपन, माइलोब्लास्ट। और ये स्टेप्स क्या है, सभी में सिमिलर आती है। और क्या है, मोनोसाइट की जो सेल है कमिटेड सेल, उसको क्या बोलते हैं, मोनोब्लास्ट। नेक्स्ट फिर ये कमिटेड स्टेम सेल्स क्या है, इसमें जनरेट होती है, डेवलपमेंट पाथवे में आ जाती है, जिससे ये क्या बनाती है, प्रोमाइलोसाइट, ठीक है, जिससे किसमें कन्वर्ट होती है नेक्स्ट, प्रोमाइलोसाइट में। ईओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल के लिए तो प्रोमाइलोसाइट में, और बाकी जो मोनोसाइट बच गया उसके लिए किसमें, प्रोमोनोसाइट में। फिर ये प्रोमाइलोसाइट किसमें कन्वर्ट होती है, जैसे ईओसिनोफिल के लिए कोई सेल जनरेट हो रही है तो ईओसिनोफिलिक माइलोसाइट में, अगर बेसोफिल के लिए अगर कोई सेल जनरेट हो रही है तो किसमें कन्वर्ट होगी, वो बेसोफिलिक माइलोसाइट में। और अगर न्यूट्रोफिल के लिए कोई सेल जनरेट हो रही है तो वो किसमें कन्वर्ट होगी, प्रोमाइलोसाइट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट में। यानी यहाँ पे जो स्टेप है उसमें क्या है, थोड़े थोड़े जो ग्रेन्यूल्स है वो आने प्रेजेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट ईओसिनोफिलिक माइलोसाइट फिर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ईओसिनोफिलिक बैंड सेल में। बैंड सेल का मतलब है मैच्यूरेशन से जस्ट पहले वाली सेल, उसमें क्या है थोड़ी सी ग्रेन्यूल्स के, उसमें ग्रेन्यूल्स वगैरह या जो न्यूक्लियस की लोब्स है वो सारी फुल्ली डेवलप हो जाती है, थोड़ी सी साइज में बड़ी रहती है। फिर बेसोफिलिक माइलोसाइट किसमें कन्वर्ट होती है, बेसोफिलिक बैंड सेल में। और फिर क्या है नेक्स्ट, जो न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट किसमें कन्वर्ट होती है, न्यूट्रोफिलिक बैंड सेल में। और फिर क्या है कि तीनों की तीनों क्या है किसमें आ जाती है, सर्कुलेशन में, फुल्ली मैच्योर होके, जो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ईओसिनोफिलिक बैंड सेल तो किसमें कन्वर्ट होती है, ईओसिनोफिल में। और जो बेसोफिलिक बैंड सेल है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, बेसोफिल में। और न्यूट्रोफिलिक बैंड सेल किसमें कन्वर्ट हो जाती है, न्यूट्रोफिल में। नेक्स्ट प्रो मोनोसाइट किसमें कन्वर्ट हो रही है, मोनोसाइट के अंदर। मोनोसाइट नॉर्मली नॉर्मल रेंज में या नॉर्मल साइज में किसमें रहती है, सर्कुलेशन में। और अगर वो टिश्यू के अंदर चली जाए तो वो किसमें क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, उसका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज। नेक्स्ट ये तो था आपका माइलोइड स्टेम सेल। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे लिम्फोइड स्टेम सेल, तो लिम्फोइड स्टेम सेल के अंदर कमिटेड सेल कौन सी बनती है, एक तो बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। फिर उनका डेवलपमेंट चलता रहता है, डेवलपमेंट चलता रहने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, B
बी लिम्फोसाइट में और टी लिम्फोसाइट में। और बी लिम्फोसाइट जो है वो क्या बनाती है, प्लाज्मा सेल्स बनाती है, यानी प्लाज्मा सेल्स का मतलब है वो एंटीबॉडी फॉर्म करती है, जबकि टी लिम्फोसाइट है जो क्या बनाती है, इफेक्टर सेल्स बनाती है, टी सेल्स बनाती है, ठीक है, यानी जो क्या एंटीबॉडी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करती है, उत्प्रेरित करती है। तो सबसे पहले देखिए बोन मैरो के अंदर हीमोसाइटोब्लास्ट सेल्स होती है। ब्लास्ट का मतलब ऐसी सेल जो कोई नई सेल को जनरेट कर दे, वो दो चीजों में कन्वर्ट हो जाती है, फिर माइलोसाइट माइलोइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल में। फिर माइलोइड स्टेम सेल से क्या कमिटेड सेल्स बनती है, माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट से फिर डेवलपमेंट पाथवे चलता रहता है, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट या फिर बैंड सेल, और लास्ट में मैच्योर व्हाइट ब्लड सेल, ये सभी में सिमिलर रहता है एक्सेप्ट लिम्फोसाइट के अलावा। नेक्स्ट देखिए ये भी क्या है, एक चार्ट है, इसके अंदर क्या दिखाया गया है, डेवलपमेंट दिखाया गया कि कौन सी सेल किस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर या बोन मैरो के अंदर डेवलप होती है। तो सबसे पहले देखिए मल्टीपोटेंशियल हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, यानी हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल का तो आपको कई बार बता दिया कि किसी सेल को नई सेल को जन्म दे के ऐसी सेल, और ये हीमोसाइटोब्लास्ट इसलिए बोलते हैं कि ये ब्लड सेल्स को फॉर्म करने की कैपेसिटी रखती है। नेक्स्ट मल्टीपोटेंट यानी काउंट्स के अंदर काफी ज्यादा संख्या में पोटेंशियल। नेक्स्ट फिर हीमोसाइटोब्लास्ट बोन मैरो के अंदर किस में कन्वर्ट हो रही है, कॉमन माइलोइड प्रोजेनाइटर में, यानी जो माइलोइड सेल्स के जेनाइटर थे, अगर व्हाइट ब्लड का सेल का जेनाइटर देखो तो जैसे कि माइलोसाइट, ठीक है, और अगर माइलोब्लास्ट सोच सकते हो, अगर आरबीसी का जेनाइटर देखो तो क्या बीएफयू सीएफयू, और अगर प्लेटलेट का देखो तो मेगाकैरियोसाइट, और दूसरा साइड क्या है, कॉमन लिम्फोइड सेल जो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्मॉल लिम्फोसाइट में या फिर नेचुरल किलर लिम्फोसाइट में, जो क्या है, लार्ज लिम्फोसाइट, और स्मॉल लिम्फोसाइट से क्या बनता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये तो था लिम्फोइड लाइनेज। दूसरी तरफ आप देखोगे कॉमन माइलोइड जो प्रोजेनाइटर है उससे कौन सी सेल जनरेट होती है, तो सबसे पहले तो है मेगाकैरियोसाइट, जिसका मतलब क्या है, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट बनती है जिससे, ठीक है, तो इससे प्लेटलेट भी बन सकती है। दूसरे नंबर पे दिखाया गया एरिथ्रोसाइट भी बन सकती है। तीसरे नंबर पे मास्ट सेल, लास्ट में क्या दिखाया गया, माइलोब्लास्ट, यानी जो ऐसी सेल जिसमें क्या कैपेसिटी होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स को फॉर्म करने की कैपेसिटी होती है, जो किसमें कन्वर्ट होती है, बेसोफिल में, न्यूट्रोफिल में, इओसिनोफिल को बना सकती है और मोनोसाइट को बना सकती है। और मोनोसाइट क्या है, मैक्रोफेज यानी सबसे बड़ी सेल है, ये क्या है, इसका पाथवे है, इसका ब्लड फॉर्म का, इसमें तो क्या है कंप्लीट ही दिखाया गया है, सभी व्हाइट ब्लड सेल्स आप देख रहे हो यहां पे जनरेट हो रही है या बन रही है, फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट क्या है, ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस है क्या, तो इसमें आपको पता है आपने दो प्रकार की सेल्स देखी है, एक तो लिम्फोइड स्टेम सेल यानी लिम्फोसाइट को जनरेट करने वाली सेल, तो जो किसको जनरेट कर रही है, लिम्फोसाइट को। दूसरा है माइलोइड स्टेम सेल जो किसको जनरेट कर रही है, ऑल अदर सेल्स को, यानी ब्लड के अंदर जितनी भी सेल प्रेजेंट है उन सभी को क्या है वो जनरेट कर रही है लिम्फोसाइट के अलावा। नेक्स्ट है प्रोग्रेशन ऑफ ऑल ग्रेन्युलोसाइट, यानी ग्रेन्युलोसाइट का डेवलपमेंट किस स्टेप से होता है, कौन से प्रोसीजर, कौन सी डेवलपमेंट फेज उसके अंदर आती है। तो सबसे पहले तो आपको पता है जो उसकी माइलोइड स्टेम सेल थी वो माइलोब्लास्ट में, फिर प्रो माइलोसाइट में, फिर माइलोसाइट में या फिर बैंड सेल में या मेटामाइलोसाइट में, और फिर क्या है मैच्योर सेल, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैच्योर सेल्स के अंदर। नेक्स्ट है ग्रेन्युलोसाइट स्टोर्ड इन बोन मैरो, यानी ग्रेन्युलोसाइट जो है वो किसमें स्टोर रहती है, बोन मैरो के अंदर, यानी इसकी स्टेम सेल्स स्टोर रहती है। थ्री टाइम्स मोर व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस देन आरबीसी, यानी क्या है, तीन गुना किसके कंपैरिजन में, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के कंपैरिजन में क्या है, एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, थ्री टाइम्स मोर व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस देन आरबीसी, यानी आर रेड ब्लड सेल्स के कंपैरिजन में व्हाइट ब्लड सेल्स तीन गुना ज्यादा क्या होती है, प्रोड्यूस होती है यानी बनती है, क्योंकि उनके काउंट क्या होते हैं, कम होते हैं, और उसके प्रोड्यूस ज्यादा होने के और कौन से रीजन है,
एक तो शॉर्टर लाइफ स्पान यानी कम जिंदगी उसकी, यानी लाइफ स्पान क्या इसका एवरेजली 4 से 7 दिन के बीच में ही होता है, या फिर डाई फाइटिंग माइक्रोब्स, और क्या ये इन्फेक्शन या इन्फेक्टियस एजेंट को मारते टाइम क्या हो जाती है, कई बार डैमेज हो जाती है, कम हो जाती है, इसीलिए क्या इनका फॉर्मेशन ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है, ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस क्या है, ल्यूकोपोइसिस इज ए फॉर्म ऑफ हेमेटोपोइसिस इन विच व्हाइट ब्लड सेल आर फॉर्मड इन बोन मैरो लोकेटेड इन बोन इन अडल्ट एंड हिमेटोपोइटिक ऑर्गन इन द फीटस। यानी ल्यूकोपोइसिस क्या है, हिमेटोपोइसिस के फॉर्म यानी ब्लड को फॉर्म करने वाली एक टर्म है। इन विच व्हाइट ब्लड सेल आर फॉर्म इन बोन मैरो, जिसके अंदर क्या है श्वेत रक्त कणिकाएं बनती है किसमें, बोन मैरो में, और बोन मैरो किसमें लोकेटेड है, बोन्स के अंदर, और हिमेटोपोइटिक ऑर्गन के अंदर किसमें, टिश्यू के अंदर, फीटस के अंदर, सॉरी फीटस में। आपको पता है हिमेटोपोइटिक ऑर्गन क्या है, लीवर है, स्प्लीन है या मेसोडर्मल सेल है। नेक्स्ट, व्हाइट ब्लड सेल्स इंडीड ऑल बोन सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिफरेंशिएशन ऑफ प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल विच गिव राइज टू सेवरल सेल लाइंस विद अनलिमिटेड डिफरेंशिएशन पोटेंशियल। यानी व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है, इंडीड ऑल ब्लड सेल्स यानी सारी ब्लड सेल्स इसमें इन्वॉल्व है, आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंशिएशन ऑफ प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, जो कि क्या है कि अलग अलग प्लूरिपोटेंट से या अलग अलग स्टेम सेल से जनरेट होती हैं, और अलग अलग लाइनेज वो जनरेट करती हैं सारी, और लास्ट में क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। आपने देखा था माइलोइड लाइनेज से अलग अलग लाइनेज जनरेट हो रही है, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स की अलग लाइन है, एरिथ्रोसाइट का मैच्योरेशन देखा है आपने, प्लेटलेट का मैच्योरेशन आगे देखेंगे। नेक्स्ट, दीज इमीडिएट सेल लाइंस और कॉलोनीज आर प्रोजेनिटर ऑफ रेड ब्लड सेल प्लेटलेट एंड द टू मेन ग्रुप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल माइलोसाइट एंड लिम्फोसाइट। यानी जो ये सेल लाइनेज बनती है, कॉलोनीज बनती है प्रोजेनिटर की, जनक की, वो किसकी कॉलोनीज होती है, रेड ब्लड सेल्स की कॉलोनी होती है, प्लेटलेट की कॉलोनी होती है एंड टू मेन ग्रुप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, और व्हाइट ब्लड सेल्स की उसमें क्या होती है, दो मेन ग्रुप की कॉलोनीज होती है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर कौन सी होती है, एक तो माइलोसाइट एक लिम्फोसाइट। माइलोसाइट सारी की सारी क्या है, लिम्फोसाइट के अलावा अदर सेल्स को फॉर्म करता है, और लिम्फोइड जो कॉलोनी है वो ओनली किसको फॉर्म करती है, लिम्फोसाइट को फॉर्म करती है। नेक्स्ट, स्टेप्स ऑफ ल्यूकोपोइसिस, जिसके अंदर देखिए ल्यूकोसाइट डेवलप फ्रॉम प्लूरिपोटेंट अनकमिटेड स्टेम सेल ऑफ माइलोइड सीरीज। ल्यूकोसाइट किससे जनरेट होती है, प्लूरिपोटेंट अनकमिटेड स्टेम सेल से जनरेट होती है माइलोइड सीरीज की। नेक्स्ट, द कमिटेड स्टेम सेल फॉर द ल्यूकोसाइट गिव राइज टू प्रोजेनिटर। यानी ये जो कमिटेड स्टेम सेल है वो ल्यूकोसाइट को बनाने के लिए क्या जनरेट करती है, प्रोजेनिटर सेल्स को जनरेट करती है। दिस कमिटेड स्टेम सेल डिफरेंशिएट इनटू वेरियस टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट। ये जो कमिटेड स्टेम सेल्स है वो अलग अलग प्रकार की ल्यूकोसाइट सेल्स को जनरेट करने के लिए अलग अलग कॉलोनीज में डिवाइड हो जाती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं। टू डिफरेंट लाइनेज ऑफ ल्यूकोसाइट आर फॉर्म, यानी दो प्रकार का जो डिफरेंट लाइनेज है वो ल्यूकोसाइट का क्या है, जनरेट होता है। वो लाइनेज क्या है, एक तो माइलोइड लाइनेज जो न्यूट्रोफिल बेसोफिल इओसिनोफिल और मोनोसाइट को जनरेट करता है, दूसरा है लिम्फोइड लाइनेज जो लिम्फोसाइट को जनरेट करता है ओनली, नेचुरल किलर सेल्स को भी जनरेट करता है। दो सेल्स फॉर्म की थी, तो माइलोइड लाइनेज एक लिम्फोइड लाइनेज, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, कौन सी सेल बनती है, तो सबसे पहले माइलोइड लाइनेज में क्या बनती है, माइलोब्लास्ट। द माइलोब्लास्ट इज ए अनयूनिपोटेंट स्टेम सेल विच डिफरेंशिएट इनटू इफेक्टर ऑफ द ग्रेनुलोसाइट सीरीज। यानी माइलोब्लास्ट क्या एक यूनिपोटेंट स्टेम सेल है जो डिफरेंशिएट हो जाती है आगे डिफेक्ट्स के आधार पे ग्रेनुलोसाइट की सीरीज में। आपने देखा था सभी सेल्स के अंदर देखा था कि माइलोब्लास्ट सभी सेल्स के अंदर क्या थी, कॉमन थी, कौन सी के अंदर,
न्यूट्रोफिल के अंदर, इयोसिनोफिल के अंदर, बेसोफिल के अंदर। नेक्स्ट, लार्ज सेल विद ए लार्ज न्यूक्लियस एंड विद डिमोन्स्ट्रेट बेसोफिलिक स्टेनिंग। ये क्या है, बड़ी कोशिकाएं हैं इनके अंदर न्यूक्लियस भी क्या है, बड़ा परसेंट होता है, लार्ज होता है। इनको डिमोन्स्ट्रेट करना हो यानी अलग करना हो, डिफ्रेंशिएट करना हो, किसके द्वारा कर सकते हैं अपन, स्टेनिंग टेक्निक के द्वारा। नेक्स्ट, द सेल डेवलप फ्रॉम प्रीमेटिव सेल। ये सेल्स किससे डेवलप हुई हैं, प्रीमेटिव सेल्स से। डायमीटर कितना होता है इनका, 10 to 18 माइक्रोमीटर। और न्यूक्लियस कैसा होता है, राउंडेड यानी गोल। साइटोप्लाज्म डू नॉट कंटेन ग्रेन्यूल्स, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं, यानी कणिकाएं प्रेजेंट रहती हैं। तो शुरू से देखिए क्या है इसके अंदर, कि माइलोप्लास्ट बनता है सबसे पहले माइलोइड लाइनेज से, तो भी क्या है, प्रोजेनाइट्रा। एक माइलोप्लास्ट इज ए यूनिपोटेंट सेम सेल विच डिफरेंशिएट इनटू द इफेक्टर ऑफ द ग्रेनुलोसाइट। यानी सबसे पहले माइलोप्लास्ट जनरेट हुआ है जो कि यूनिपोटेंट सेम सेल है, तो आगे डेवलपमेंट के अंदर अलग अलग इफेक्ट के हर के अलग अलग ग्रेनुलोसाइट की सीरीज बनाता है। नेक्स्ट, लार्ज सेल विद ए लार्ज न्यूक्लियस एंड विच डिमोन्स्ट्रेट विद बेसोफिलिक स्टेनिंग। और इन सेल्स के टाइप कैसे होता है, लार्ज सेल होती है बड़ी कोशिकाएं विद लार्ज न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस भी कैसा होता है, बड़ा होता है, विद डिमोन्स्ट्रेट यानी जिनको आप पकड़ सकते हैं, जिनको पता लगा सकते हैं, किससे, बेसोफिलिक स्टेनिंग से। दिस सेल डेवलप फ्रॉम प्रोमेटिव सेल, और इन सेल्स को किससे डेवलप हुई है, प्रीमेटिव स्टेम सेल से, यानी हीमोसाइटोब्लास्ट से, फिर माइलोइड लाइनेज के अंदर। डायमीटर कितना होता है माइलोब्लास्ट का, 10 to 14 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस कैसा होता है, राउंडेड गोल। और साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डू नॉट कंटेन ग्रेन्यूल, यानी अभी तक इसके अंदर ग्रेन्यूल जनरेट नहीं हुए हैं, नहीं बने हैं। नेक्स्ट क्या है, माइलोसाइट, यानी माइलोब्लास्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है आगे मैच्युरेशन में, माइलोसाइट में। तो माइलोसाइट क्या है, माइलोसाइट आर स्मॉलर सेल्स, यानी क्या है कि माइलोसाइट माइलोब्लास्ट के कंपैरिजन में क्या है, स्मॉलर सेल है, छोटी कोशिकाएं हैं। नंबर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द मोर मैच्योर फॉर्म ऑफ माइलोसाइट, यानी क्या है, तो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टामिन के जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स में, वो क्या है कि जो माइलोसाइट के मैच्योर सेल्स हैं उनमें क्या हो जाते हैं, वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, मैच्योर सेल में, शुरुआत के अंदर नहीं दिखाई देते। नेक्स्ट, डायमीटर कितना है, 10 to 14 माइक्रोमीटर माइलोसाइट का, उसका कितना था माइलोब्लास्ट का, 10 to 18 माइक्रोमीटर, यानी साइज क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। न्यूक्लियस क्या है, साइज डिक्रीज एंड सेल मल्टीप्लाई, यानी न्यूक्लियस का साइज क्या हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, और सेल के अंदर अभी तक डिविजन क्या है, चल रहे हैं, उसका डेवलपमेंट चल रहा है। साइटोप्लाज्म यानी ग्रेन्यूल्स अपीयर, यानी ग्रेन्यूल्स थोड़े थोड़े दिखने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, मेटामाइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट इज ए सेल अंडरगोइंग ग्रेन्युलोपोइसिस डिराइव्ड फ्रॉम ए माइलोसाइट एंड लीडिंग टू ए बैंड सेल। यानी मेटामाइलोसाइट क्या है कि डेवलपमेंट के अंदर जनरेट होती है ग्रेन्युलोपोइसिस के अंदर, और डिराइव्ड यानी प्राप्त कहां से होती है, किससे बनती है, माइलोसाइट से, और लीडिंग टू आगे चल के क्या बनाती है, वो एंड सेल्स जनरेट करती हैं, ठीक है। और इसका डायमीटर कितना होता है मेटामाइलोसाइट का, 10 to 11 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस कैसा होता है इसका, डेवलप लोब्स एंड सेल तो मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या होता है कि लोब यानी पालियां क्या है, डेवलप हो जाती हैं किसके अंदर, लिम्फोसाइट के अंदर। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, ग्रेन्यूल्स अपीयर, साइटोप्लाज्म क्या है, यहाँ पे ग्रेन्यूल्स अपीयर हो जाती है, अलग अलग ग्रेन्यूल्स आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो शुरू से देखिए एक बार माइलोसाइट से, माइलोसाइट आर स्मॉलर सेल, यानी माइलोसाइट क्या है, छोटी कोशिकाएं, किसके कंपैरिजन में, माइलोब्लास्ट के कंपैरिजन। न्यूमेरियस साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन मोर मैच्योर फॉर्म्स ऑफ माइलोसाइट, यानी माइलोसाइट की जो मैच्योर फॉर्म होती है, परिपक्व फॉर्म होती है, उसके अंदर क्या है, ग्रेन्यूल्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। डायमीटर कितना है इसका, 10 to 14 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस साइज डिक्रीज एंड सेल मल्टीप्लाई, यानी न्यूक्लियस का साइज पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और सेल अभी भी क्या है, मल्टीप्लाई कर रही है, यानी डिवीजन चल रहे हैं विभाजन। साइटोप्लाज्म
ग्रेन्यूल्स अपीयर, यानी ग्रेन्यूल्स दिखाई देनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, मेटामाइलोसाइट। एंड मेटामाइलोसाइट किससे बनी है, माइलोसाइट से। मेटामाइलोसाइट इज ए सेल, यानी ये सेल्स होती है अंडरगोइंग ग्रेन्युलोपोइसिस, जो किसके अंदर बनती है कि ग्रेन्युलोपोइसिस के अंदर बनती है, यानी जो व्हाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन चल रहा है उसके अंदर बनती है, डिराइव्ड फ्रॉम ए माइलोसाइट। और ये बनी किससे, माइलोसाइट से, एंड लीडिंग टू ए बैंड सेल, और कन्वर्ट किसमें होगी, बैंड सेल के अंदर। डायमीटर कितना है, 10 to 11 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस कैसा है, डेवलप लोब्स एंड सेल्स स्टॉप मल्टीप्लाइंग, यानी लोब्स जो है पालिया है वो क्या है, प्रेजेंट होंगी और सेल क्या है, स्टॉप कर देगी मल्टीप्लाइंग, यानी विभाजन क्या कर देगी, बंद कर देगी। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म क्या है, ग्रेन्यूल्स अपीयर, यानी साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स क्या है, दिखाई देती है, अपीयर हो जाती है। नेक्स्ट है मैच्योर, यानी मैच्योर जो सेल्स हैं मेटामाइलोसाइट से या बैंड सेल से मैच्योर होंगी, दे बिकम्स फुल्ली मैच्योर्ड एंड फंक्शनल टू ए ल्यूकोसाइट, यानी मेटामाइलोसाइट से थोड़ा सा डेवलपमेंट और हो जाता है, उनको बैंड सेल बोलते हैं, और बैंड सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैच्योर में। तो मैच्योर ये क्या है, मेटामाइलोसाइट से क्या है, फुल मैच्योर होगी, और अभी क्या है कि सर्कुलेशन के आके फंक्शन करने के लिए ये तैयार है, कैपेबल है। नेक्स्ट मोनोसाइट रिक्वायर्ड 6 डेज फॉर द मैच्योरेशन, यानी मोनोसाइट को कम से कम डेवलपमेंट के लिए कितने दिन चाहिए, उसके बनने के लिए 6 दिन। द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट फ्रॉम माइलोइड स्टेम सेल टेक अराउंड 10 डेज, यानी क्या है, अदर जो सेल्स हैं ग्रेन्युलोसाइट है वो क्या है, कितने दिन के अंदर मैच्योर होती है, माइलोइड स्टेम सेल से फुल्ली मैच्योर होने तक, यानी न्यूट्रोफिल बेसोफिल इयोसिनोफिल बनने तक 10 दिन का टाइम लेती है। नेक्स्ट क्या है, लिम्फोइड लाइनेज। लिम्फोइड लाइनेज के अंदर क्या चीजें होती हैं, कि सबसे पहले लिम्फोसाइट या लिम्फो ब्लास्ट, तो इसके अंदर देखिए डायमीटर कितना है, 12 to 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा होता है इनका, राउंड होता है, राउंडेड गोल, द सेल अंडरगोज डिवीजन टू फॉर्म लार्ज लिम्फोसाइट एंड द सेल अंडरगोज डिवीजन टू फॉर्म लार्ज लिम्फोसाइट एंड स्मॉल लिम्फोसाइट, यानी सेल के अंदर अभी भी विभाजन चल रहा है या डिवाइडेड हो जाती है वो, किसके अंदर, दो ग्रुप के अंदर, लिम्फोब्लास्ट किसमें, दो ग्रुप्स में डिवाइड होती है, एक तो लिम्फोसाइट लार्ज में, एक स्मॉल लिम्फोसाइट में। तो सबसे पहले क्या है, लार्ज लिम्फोसाइट स्टॉप डिवीजन एंड मैच्योर सेल, यानी इसके अंदर क्या है कि डिवीजन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और ये क्या है, परिपक्व सेल, दे अपीयर इन सर्कुलेशन, और वो डायरेक्ट सर्कुलेशन के अंदर रिलीज हो जाती है। और लार्ज लिम्फोसाइट किसमें कन्वर्ट होती है, नेचुरल किलर सेल्स के अंदर, यानी जिसको ना तो एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट होती ना किसी चीज की, और वो उसके अंदर क्या है, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी प्राकृतिक किलर सेल है वो क्या है, बाहर से कोई फॉरन पार्टिकल आता है या फिर कोई और सब्सटेंस आता है उसको क्या कर देती है, किल कर देती है। यानी लार्ज लिम्फोसाइट आगे किसमें कन्वर्ट होती है, नेचुरल किलर सेल्स के अंदर। नेक्स्ट है स्मॉल लिम्फोसाइट, तो स्मॉल लिम्फोसाइट क्या है आगे, दे आर फॉर्म बाय फर्दर मैच्योरेशन ऑफ लार्ज लिम्फोसाइट, यानी स्मॉल लिम्फोसाइट किससे कन्वर्ट होती है, कि जो लार्ज लिम्फोसाइट का आगे कुछ सेल्स डेवलप होती है उससे क्या कन्वर्ट होती है, स्मॉल लिम्फोसाइट। और स्मॉल लिम्फोसाइट के अंदर क्या है, आपको पता है दो प्रकार की सेल होती है, एक तो टी लिम्फोसाइट यानी थाइमस लिम्फोसाइट, और दूसरी क्या है, बी लिम्फोसाइट यानी बोन मैरो लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो होती है वो तो क्या करती है, एंटीबॉडीज को फॉर्म करने के लिए स्टिमुलेशन करती है, इसको बी लिम्फोसाइट को उत्प्रेरित करती है, जब कोई बाहर फॉरेन पार्टिकल आ जाता है बी लिम्फोसाइट को बोलती है कि आप एंटीबॉडी बनाओ, और बी लिम्फोसाइट क्या है, एंटीबॉडीज को जनरेट करती है, बनाती है। एंटीबॉडीज कौन सी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी डी या फिर एम या ए या डी ई और ई, और आपको पता है ई क्या है, एलर्जी से रिलेटेड है, और जी जो है वो प्लेसेंटा को सबसे पहले पार करती है। तो शुरू से देखिए कि लिम्फोइड लाइनेज में क्या है, लिम्फोसाइट का डायमीटर कितना है, 12 to 20 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस कैसा है, राउंडेड, द सेल अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म लार्ज लिम्फोसाइट एंड स्मॉल लिम्फोसाइट, और सेल्स क्या है आगे डिवाइड हो जाती है किसमें, लार्ज लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट में।
लार्ज लिम्फोसाइट क्या है? टॉप डिवीजन एंड मैच्योर सेल, दे अपियर इन सर्कुलेशन। यानी ये क्या है कि मैच्योर हो जाती है, डिवीजन इसके अंदर बंद हो जाता है कुछ सेल्स के अंदर। और ये कौन सी सेल होती है? नेचुरल किलर सेल, जो खुद के फॉरेन पार्टिकल को किल कर सकती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, साइटोटॉक्सिन होता है, यानी जहर प्रेजेंट होता है, टॉक्सिन प्रेजेंट होता है, जो क्या है, बाहर से आए पैरासाइट बैक्टीरिया या वायरस को किल कर देती है। नेक्स्ट है स्मॉल लिम्फोसाइट, दे आर फॉर्म बाय फर्दर मैच्योरेशन ऑफ लार्ज लिम्फोसाइट। ये क्या है कि जो लार्ज लिम्फोसाइट है इनके आगे फर्दर मैच्योरेशन से जनरेट होती है। नेक्स्ट क्या है, रेगुलेशन ऑफ लिम्फोपोइसिस, यानी लिम्फो जो पोइसिस है, व्हाइट ब्लड सेल का जो मैच्योरेशन है उसको रेगुलेट कैसे करते हैं? तो प्रोटीन फॉर्म बाय द एफसीएल यानी स्टेम सेल ल्यूकेमिया जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। यानी क्या है कि एक ऐसी प्रोटीन है जो किसमें फॉर्म होती है, स्टेम सेल्स में, स्टेम सेल ल्यूकेमिया, जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल ल्यूकेमिया प्रोटीन जनरेट करती है। अगर ये प्रोटीन ही नहीं होगी तो स्टेम सेल नहीं बनेगी बोन मैरो के अंदर। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, CSF बोलते हैं। CSF दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, दूसरा क्या है, एक CSF और होता है जो क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्लॉक ब्रेन के अंदर क्या है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, CSF इज ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय टी लिम्फोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड एंडोथीलियम सेल। ये सब क्या एक प्रोटीन है जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, टी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और मैक्रोफेज का मतलब है मोनोसाइट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, या एंडोथीलियम सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि क्या है कि ल्यूकोपोइसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इंटरल्यूकिन, इट हार्मोन लाइक सब्सटेंस रेगुलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स। यानी हार्मोन से जो क्या है, ऐसे हार्मोन जो इफेक्ट डालते हैं किसपे, लिम्फोपोइसिस, वो कौन कौन से, उनको क्या बोलते हैं इंटरल्यूकिन। एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, कोर्टिकोसोल हो गया, या ACTH हो गया। ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, ल्यूकोपोइसिस में। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल के क्लासिफिकेशन पे, की व्हाइट ब्लड सेल को अलग अलग ग्रुप्स में किस बेस पे क्लासीफाई किया गया है। थैंक्स टू ऑल।